गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चैप्टर में बचा था वो थे हमारे ग्राफ्स थे वन डायमेंशनल मोशन के लिए, जिसमें से पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो आपका डिलीट कर दिया गया है टॉपिक। नाउ टुडे वी डिस्कस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह से रिलेशन रिप्रेजेंट करता है वो हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, फर्स्ट आता है यूनिफॉर्म मोशन। हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन का केस है हमारा, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि स्पीड जो होगी कांस्टेंट रहेगी, दैट मीन जीरो, नो चेंज। तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी या पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पर, तो क्योंकि पोजीशन हमारी चेंज नहीं होगी तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा आपका, या आप कह दीजिए वेलोसिटी जीरो है या कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा। सेकंड है, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो क्योंकि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ आपका, अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है तो ग्राफ आपका स्टार्ट होगा यहां से। ये कब है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर आपका एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियरली आएगा आपका इंक्रीजिंग स्लोप के साथ। ये आ गया आपका टाइम, इधर आ गया आपका वेलोसिटी। ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन के लिए जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा बच्चों, वो ये आएगा। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और जीरो नहीं है तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आ जाएगा, कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। ओके, ये किसके हैं, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब अगर हम कहें रिटार्डेशन का केस है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी हमारी घट रही है, तो जो ग्राफ होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम कहें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये ग्राफ होता है। और अगर डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो ग्राफ क्या होगा, पहले तो बढ़ेगा फिर धीरे 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 कम होता जाएगा। ये आ गए आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही आप देखो, नेक्स्ट है आपके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में क्या है आपका, सबसे पहला एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के लिए। भाई अगर आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप जीरो आएगा, तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ये होगा। अगर आपका एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और एक्सेलेरेशन अगर आपका नेगेटिव है तो या आप कह सकते हैं इसे डी एक्सेलेरेशन है, या एक्सेलेरेशन घट रहा है तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीजिंग स्लोप आएगा। अब है बच्चों, हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे, कैलकुलस मेथड से भी करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ओके, ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें इसे प्रूफ करना है कैलकुलस मेथड से, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड से। तो हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और यू कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन डीटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर इसे हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन डीटी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। ठीक है, यहां पर आप इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, या इंटीग्रेशन करेंगे आप टाइम के रेस्पेक्ट में, या इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख दिया मैंने इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। जब इनिशियल वेलोसिटी थी u थी, तो टाइम क्या था, जीरो था, जीरो से स्टार्ट हुआ था, और फाइनल टाइम हो गया आपका t। तो जब आप
इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों डीवी हो या डीएक्स हो उसका इंटीग्रेशन हमेशा वी आए, यहाँ पर वी आएगा, फाइनल वेलोसिटी वी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, ए डी टी कट हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद टी। अभी बताएंगे कैसे फॉर्मूला, इसका एक तरह से फॉर्मूला क्या होता है, जीरो टू टी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जब यहाँ पर हम पुट करते हैं, वी इज द अपर लिमिट एंड यू इज द लोअर लिमिट, हम जब इसे खोलेंगे तो हम ऐसे खोलेंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यू वी है, लोअर लिमिट यू है, ए कांस्टेंट है क्योंकि हम ये जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं ये अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम इनको ड्राइव करते हैं, ठीक है, ए, और ये आ जाएगा आपका टी माइनस जीरो, वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, और वी इज इक्वल्स टू U प्लस ए टी, ओके। तो दिस प्रूव्स द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। फॉर्मूला आपका क्या है, एक तरह से फॉर्मूला करके आप याद रख सकते हो इसको, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा डिफरेंशिएशन, अगर हम इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं dx का तो वो आता है x, इसी तरह से आपने dv का किया तो आया v, इसी तरह से आपने डी टी का किया तो आया टी, ठीक है। तो इसे आप एज अ फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने क्या पढ़ा अभी, ए इक्वल्स टू कितना होता है डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, और जो हमारी वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है वो कितना होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे हम dx, टाइम को लिखेंगे हम dt, v इज इक्वल्स टू हो गया हमारा dx ओवर dt, ठीक है, वी नो दैट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है a इक्वल्स टू dv ओवर dt, इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें हम dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब इस dx ओवर dt को तो आप किसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, तो जब ये बनेगा आपका ये बनेगा dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, ठीक है, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। अब देखते हैं हम जो हमारा पीछे से बनेगा, ये बनेगा a इज इक्वल्स टू dx ओवर dt, क्या होता है हमारा dx ओवर dt होता है वेलोसिटी, और ये क्या बचा dv अपॉन dt, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a dt इज इक्वल्स टू v dv, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आ गया ठीक है। तो इसे लिखेंगे a एज इट इज dt, v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे बच्चों, u प्लस कितना आ जाएगा dt, सॉरी बच्चों ये dv अपॉन dx है आपका, ठीक है, इसे सही कर लेना, ये आपका dt की जगह dx है, तो dt की जगह हमारा dx आ जाएगा, u प्लस v की जगह एज इट इज रहेगा v dv, ठीक है, a एज इट इज है कांस्टेंट आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dv, x का कितना हो जाएगा बताया था आपको, जीरो ले लेंगे, लिमिट s ले लेंगे, यहाँ पर भी इनिशियल लिमिट u, फाइनल लिमिट v, तो a जब लिमिट पुट करेंगे s माइनस जीरो इज इक्वल्स टू यहाँ पर v का होता है v स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, और ये आ जाएगा अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, तो a s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन टू, एंड टू a s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है, इसे हमने प्रूफ कर दिया।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है, वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डीएक्स अपॉन डीटी, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी डी टी इज इक्वल्स टू डीएक्स। ठीक है, अब वी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी, यू प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स एंड इंटीग्रेशन। अगेन वही पुट करेंगे, इसकी लिमिट 0 टू एस, या टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 टू टी, यू एज इट इज। रूल होता है बच्चों, अगर इंटीग्रेशन में आपका है डी टी की मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख सकते हैं, तो यू तो कॉन्स्टेंट होगा, डी टी 0 प्लस टी प्लस ए एज इट इज, क्योंकि कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए डी टी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका एस माइनस जीरो। तो जब यहां से करेंगे आप, टी और है इसके साथ, लिमिट है जीरो टू टी, तो यू डी टी का आ जाएगा टी ए एज इट इज, और ये आ जाएगा आपका टी का आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू एस, तो एस इज इक्वल्स टू आ गया आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हमने ड्राइव किया है, इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को किसकी हेल्प से, कैलकुलस मेथड की हेल्प से। जो ग्राफिकल मेथड वाला है वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि वो नाइन्थ क्लास में भी हम लोग पढ़कर आते हैं, तो आप उसको वहां से करें, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है या आपको नहीं समझ आया है तो वी विल डिस्कस इन द ग्रुप। ओके, बाकी ये थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, टेस्ट में भी थर्ड चैप्टर आपका दिया है, तो जितना चैप्टर ये हो गया है ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ सैटरडे में भी आपकी क्लास लूंगी। ओके?